हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर रोज की तरह तकरीबन रोज की तरह मैं एक वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कर रहा हूं। और पर्पस हमारा ये है कि मैं उन बच्चों की कुछ हेल्प कर पाऊं जो पढ़ना तो चाहते हैं बट शायद वो प्रॉपर कोचिंग क्लासेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चैप्टर्स में एनसीईआरटी की कुछ लाइनों को लेकर मैं उनको डेसिफर कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनके पास कोचिंग क्लासेस हैं, जाहिर है उनके पास नोट्स होते हैं, उनके पास अपने टीचर्स होते हैं, अपनी बात वो उनसे सीख लेते हैं। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन के लिए अलग से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ जितनी मैं मदद कर सकता हूँ वो मैं कर पाऊँ। हाँ, लेकिन अगर इस पढ़ाने में अगर आपको कोई क्वेरी हो तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँ। किसी प्रकार की आपके हमने जो आपको वीडियो लेक्चर दिया है, जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ या जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अपने चैनल को सिर्फ प्योर एकेडमिक चैनल बना रखा है, किसी तरह की कोई शॉर्टकट की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ टॉपिक्स की बात करता हूँ, क्वेश्चंस की बात करता हूँ और प्रॉपर तरीके से पढ़ने की बात करता हूँ। क्या हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है एंड दैट इज डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी, उसमें That is class reptilia. Actually, Quetta हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते काफी आगे आ गए हैं और इसमें हम अब class reptilia तक पहुंच चुके हैं। सर, reptilia के लिए एक शब्द इस्तेमाल अगर हम करें तो वो काफी बढ़िया सा शब्द होगा, दैट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग क्रीपिंग कह दें या क्रॉलिंग कह दें, एक शब्द है reptile, तो वो उसी से बना हुआ है, That is a reptile. लपेट लेना, तो लपेटने के लिए जाहिर है आपको रेंगना पड़ेगा उसको, तो इसलिए नाम देते हैं हम लोग, कहते भी हैं इनको क्रीपिंग या क्रॉलिंग। सर, वर्टिपेट्स एक जनरल सा नाम हम यही देते हैं। वैसे आप अगर इसी के आगे टिपिकल लैंड वर्टिपेट भी कह दें तो काफी ज्यादा अच्छी सी बात हो जाएगी और समझ में ज्यादा आ भी जाएगा। क्या सबसे पहला शब्द जो हमारी तरफ से है, and the term is the cold-blooded animal. और ये मैं आपको फिर इम्प्रेस करना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह पढ़ा रहा हूँ इस जगह पर, अब इसके बाद जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगली क्लास तो एवीज आने वाली है, बर्ड्स, वहां से हम वार्म ब्लडेड की शुरुआत कर देंगे। ये थोड़ा आसान सा शब्द है कोल्ड ब्लडेड, आप चाहें तो इसके लिए पाइकिलोथर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें शरीर का तापमान जो है वो फिक्स नहीं रहता है, एटमॉस्फेयर के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है। एक शब्द और है, पता नहीं क्यों वो लोग इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, हम दूसरा एक शब्द है एक्टोथर्म भी है। पाइकिलोथर्म को हम एक्टोथर्म भी कह सकते हैं और जब हम वार्म ब्लडेड पढ़ाएंगे तो उन्हें हम एंडोथर्म कहेंगे। दूसरा जो शब्द बड़ा आसान सा है कि ये टिपिकल टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जमीन पे पाए जाते हैं और इन्होंने वेल एडॉप्टेशन किया है। एम्फीबिया शायद यही नहीं कर पाया था और इसीलिए बार बार उसे एटलीस्ट ब्रीडिंग करने के लिए पानी में जाना पड़ता था। तो ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं, दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाए जाते हैं लेकिन मोस्टली फाउंड इन वार्मर एरियाज, मोस्टली फाउंड इन वार्मर रीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठंडे स्थान पे नहीं पाए जाते, लेकिन सब वार्मर रीजन में इनकी आबादी ज्यादा होती है क्योंकि वहां के लिए ये वेल एडॉप्टेड होते हैं। तो ये दोनों बात हमने अभी जनरल से बात कही है कि बात तक हम पहुंचे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जाहिर है फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल तीनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जमीन के लिए वेल एडॉप्टेड है तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट कहलाएंगे। सर, पहला शब्द हम इनके एडॉप्टेशन से लेकर चले हैं, इनकी स्किन को देखें। मैं भी एनसीईआरटी की लाइनें हैं लेकिन मैं अपने सुविधा से इसको आगे पीछे कर रहा हूं। स्किन इनकी ड्राई होती है, काफी ड्राई होती है, ड्राई होती है, साथ में आप रफ भी कह सकते हैं। लेकिन ड्राई और रफ के साथ एक शब्द और इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉर्नीफाइड। कॉर्नीफाइड कहने का मतलब है कि इनकी स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, एंड दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्निया। आप सोचोगे ये शब्द क्यों आप हाईलाइट कर रहे हो, एक्चुअली क्या होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम इज अ डेड लेयर, ये डेड सेल्स होती हैं।
तो अगर ये डेड है तो जाहिर बात है कि दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि यही एक एडॉप्टेशन था एम्फीबिया का कि सर उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो पाता था, क्योंकि उनकी जो स्किन थी वो कॉर्निफाइड नहीं थी। लेकिन इन्होंने सर यहाँ पर सिर्फ स्किन को कॉर्निफाइड कर लिया, तो कॉर्निफाइड कर लेने से तो अपर लेयर हो गई डेड, तो इस वजह से इट कैन नॉट बी यूज फॉर द रेस्पिरेशन। लेकिन सर एक और बात यहाँ पे जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हम फ्रॉग में पढ़ रहे थे तो बड़ा हाईलाइट करके उस शब्द को बोला था, वही हम यहाँ भी चाहते हैं, दैट इज अ विदाउट ग्लैंड। यहाँ पे कोई ग्लैंड भी नहीं होती, जबकि हम अपने एम्फीबिया में जरूर कहते थे मॉइस्ट स्किन, क्योंकि वहां ग्लैंड जरूर पाई जाती थी। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि हमारी स्किन ड्राई हो, रफ है, इवन कॉर्निफाइड है। मैं इसको ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि कॉर्निफाइड कहते ही वो रेस्पिरेटरी वर्ड जो आपने पढ़ा था वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा एक शब्द और है इसके साथ जो हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, इनके पास स्किन के पास स्केल्स पाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे जब स्केल्स पाए जाते हैं तो हम लोग पिसीज में चले, क्योंकि जो पिसीज का एक सबसे जो टिपिकल फीचर हुआ करता था एंड दैट वाज स्केल्स। लेकिन सर वो जो पिसीज के स्केल्स हैं वो अलग हैं, एंड दीज स्केल्स आर एपिडर्मल। इसीलिए कहते हैं ना, चीजों को जानना चाहिए तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सही आपके पास आंसर भी आता है। इसीलिए हम इनकी स्केल्स को एक नया नाम भी दे सकते हैं, एंड दैट इज स्क्यूट्स। इनकी बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स तो पाए जाते हैं, दिस वन, जिन्हें हम स्क्यूट्स कहते हैं। लेकिन सर आप इन स्केल्स को फिशेस का स्केल्स नहीं कह सकते, एंड इट इज द एपिडर्मल स्केल्स। अब एपिडर्मल स्केल्स वाली बात अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखें, हालांकि जो मैं अगला पॉइंट बोलने जा रहा हूँ वो सारे रेप्टाइल का फीचर नहीं है, वो सिर्फ और मैं बात कर रहा हूँ स्नेक्स में और लिजर्ड्स में। इन लोगों में क्या होता है, जो एपिडर्मल स्केल्स होती है इट शेड ऑफ, थोड़े थोड़े समय पर शेड ऑफ होती है, एंड इन फॉर्म ऑफ स्किन कास्ट। कभी आपने देखा हो कहीं पर सांप या छिपकली जो है अपनी स्किन की जो कवरिंग होती है वो छोड़ जाते हैं, और वो इसी फॉर्म में छोड़ जाते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा रह जाता है उसे हम स्किन कास्ट कहते हैं। तो बात बड़ी हो गई हमारी, कि पहली बात हमने कही कि हमारा स्किन जो है रेप्टाइल्स में ड्राई या रफ है, ठीक है। लेकिन दूसरा शब्द जो हाईलाइट कर रहे थे, अंडर इज कॉर्निफाइड विदाउट ग्लैंड्स। कॉर्निफाइड होने से जो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्ड था स्किन का वो समाप्त हो गया। स्किन इज कवर्ड विद एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स कह लें, और वो कुछ जानवरों में, खासकर हम स्नेक और लिजर्ड की बात करें, तो समय समय पर वो शेड ऑफ होता रहता है। हम अगले शब्द पर आते हैं। यहाँ पर एक शब्द जो आपने फ्रॉग में पढ़ा था यानी एम्फीबिया में पढ़ा था, वही यहाँ भी है कि जो टिम्पैनम है वो पाई जाती है, दैट रिप्रेजेंट्स द ईयर, यानी एक्सटर्नल जो ओपनिंग होनी चाहिए, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, जो ओपनिंग है ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। यानी इस जगह पर मिडिल ईयर की जो ओपनिंग होती थी, दैट इज कवर्ड बाय टिम्पैनम, ये पाया जाता है, ऐसा ही आपने एम्फीबिया में पढ़ा था। फिर एक और अच्छा सा शब्द है, भाई टेट्रापोडा के मेंबर हैं तो बात सही थी, हम लोग कहते भी हैं एम्फीबिया में भी कह रहे हैं कि सर फोर लेग्स होते हैं, यानी टू पेयर ऑफ लेग्स होने चाहिए। ये अलग बात है, एक लिम्बलेस एम्फीबिया आपने इक्थियोफिश पढ़ लिया था, वही हाल यहाँ भी कह रहे हैं कि सर यहाँ पर सर फोर लिम्ब पाए जाते हैं, होना भी चाहिए, फोर लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, छिपकली को आप देख सकते हैं। लेकिन सर बात यहाँ पे बढ़िया एक्सेप्शन की है, दैट इज एक्सेप्ट स्नेक्स। सांप में तो सर पैर नहीं पाए जाते है, तो वो भी रेप्टाइल। तो ये पॉइंट आपको लग रहा है कि मैंने एम्फीबिया की तरह बोला, लेकिन एम्फीबिया का जो एक्सेप्शन था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो मैं बस सांप को छोड़ दीजिएगा और सब जगह पर फिर वो चार पैर पाए जाते हैं, टेट्रापोडा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। हार्ट की बात करें तो इस जगह पे मैं सहमत नहीं हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड।
तो मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि किताब आपकी है, आप मानोगे इतनी जल्दी है नहीं। एक्चुअली थ्री चैम्बर्ड की जगह हमें लिखना चाहिए था इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड। ये मुझे लगता है ज्यादा सही शब्द है, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको लगे कि हम एम्फीबिया से तो आगे बढ़े हैं। इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड, और ऐसा इसलिए कह ले जा रहे हैं क्योंकि हमारा वेंट्रिकल जो है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है। अब कई लोग तो इसको 3.5 चैम्बर भी कहने को तो उतारू होते हैं, लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी ना 3.5 पे मानती है ना 4 पे मानती है, तो 3 कह रही है। तो जानिए कि अगर आपके पास ऑप्शन होगा कि 1, 2, 3, 4 में से चूज करना हो तो करिएगा, नहीं तो ये भी शब्द जानिए, क्या जाने आपके एग्जाम में यही तरह की भाषा इस्तेमाल हो जाए तो आपको पता तो रहे कि कब कौन सा शब्द हमें यूज करना है। लेकिन सर यहाँ एक्सेप्शन जरूर है। सर हम अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल बड़ा पॉपुलर है और हमारे ख्याल से सबको पता होगा क्रोकोडाइल। सर यहाँ पर फोर चैम्बर्ड होता है, तो इस मामले में तो क्रोकोडाइल आपके बिल्कुल समान है, तो ये कोई बहुत इंप्रेसिव पॉइंट नहीं है, मुझे लगता है सबको पता है। हाँ एक नया पॉइंट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, इनका जो स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है। अब मोनोकोंडाइलिक शब्द आप तभी समझ सकते हैं जब आपको स्कल की थोड़ी जानकारी हो। जैसे आप अपने स्कल की जब बात करेंगे तो हमारे पास जो स्कल होगा उसमें ऑक्सीपिटल बोन के पास जो है वो दो खूंटियां पाई जाती हैं, और जो एटलस नाम की वर्टिब्री में जाके फिट होती है। तो ये तो स्टोरी मैन की है, लेकिन हम मैन थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हम तो आपको रेप्टाइल बता रहे हैं। तो रेप्टाइल में स्कल में सिर्फ एक खूंटी पाई जाती है, कोंडाइल, एंड यस यही है मोनोकोंडाइलिक, एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाया जाता है, तो इसलिए हम इन्हें नाम दे रहे हैं मोनोकोंडाइलिक। अब चूंकि आपने ये भी कह दिया कि टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन है, तो लंग्स, टिपिकल लंग्स पाए जाएंगे एंड द लंग्स प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे लंग्स ही पाए जाते हैं। यहाँ पे पानी वाली बात तो आ नहीं रही है, तो नॉट गिल्स, वहां पर हम लोग जरूर कहते थे लंग्स तो थे, लेकिन एक कंडीशन रखी गई थी कि एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ जो है वो वहां पर गिल्स जरूर होगा। अब एक पॉइंट और हमारी तरफ से है, फिर दैट इज जो क्रेनियल नर्व है, ये बात हमने एक दो लेक्चर में पहले भी बताई है, क्रेनियल नर्व की संख्या यहाँ से सब 12 पेयर होनी चाहिए। अभी तक आप एम्फीबिया पढ़ रहे थे तो उनकी संख्या 10 पेयर थी, लेकिन यहाँ से आपको 12 पेयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बार बार हम लोग कहते हैं कि साइंस का मजा तब है जब एक्सेप्शन हो, तो सर इस जगह एक्सेप्शन है और शायद इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट ज्यादा हमको दिखता भी है। सर स्नेक्स में बात करें, सांप में तो एक्सेप्शनली सिर्फ 10 ही पेयर पाए जाते हैं, तो ये सावधानी से आंसर करिएगा कि क्रेनियल नर्व का जिक्र करें और रेप्टाइल हो तो 12 पेयर। क्लोइका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर पहले ही हम बात कर चुके हैं, और पहले भी हमने कहा था कि क्लोइका यही क्यों, हमारे बर्ड्स में भी पाई जाएगी क्लोइका ही। फिर वर्ड आता है यूनिसेक्सुअल, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, तो फिर साथ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन हम सर यहाँ पर विवीपेरस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड द टर्म इज ओवीपेरस, ये अंडे देते हैं। लेकिन अंडों में दो खास बातें हैं, जो यहाँ पर अंडे पाए जाते हैं वो टिपिकली दो बातों में डिफरेंट है, क्योंकि इन अंडों को अगर हम लोग देखें तो इन अंडों में यॉक बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो हम इन्हें नाम देते हैं मैक्रोलेसिथल, जहां पर यॉक बहुत ज्यादा हो वो मैक्रोलेसिथल। दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्लिडोइक एग्स, क्लिडोइक एग्स का मतलब हुआ कि सर इनके अंडों के ऊपर सर एक शेल पाई जाएगी कैल्केरियस, और ये एक बहुत बड़ा एडॉप्टेशन है सर जस्ट टू लिव ऑन द लैंड। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती सर, नो लार्वल स्टेज। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी एम्फीबिया पढ़कर आए हैं तो हाँ आपको लग रहा होगा ऐसा था। एक नया शब्द और शुरू होता है एंड इट बिलोंग्स टू एमनियोटा, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दीज आर एमनियोट्स, फिशेज और एम्फीबिया एंड एमनियोट्स कहलाते हैं, लेकिन ये एमनियोट्स कहलाते हैं और उसकी वजह सिर्फ एक है आपके पास। यस अगर हम एमनियोटा और एनएमनियोटा दोनों शब्दों को जानना चाहें तो एमनियोट्स वो होते हैं जिसके पास 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान पाई जाती है, कोरियन, एमनियन, एलेंटवाइन और यॉक्स है।
अब वो डेवलप है या नहीं डेवलप है, उनके फंक्शन क्या हैं, ये जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तब आपको जरूर बताया जाता है। तो दस ये ऑक्सल, अगर आप ये बात इससे जोड़ दीजिए कि जितने भी एमनियोट्स होते हैं, इसने को छोड़ दीजिएगा, उन सब के पास से 12 पेयर ऑफ रीनल नर्व ही होती है। इसका मतलब यहाँ से आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो वो एमनियोट्स ही पढ़ेंगे, यानी बर्ड्स भी पढ़ेंगे और मैमल भी पढ़ेंगे, उन सब में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये चारों चीजें पाई जाएंगी। तो अब जरा हम पॉइंट्स को एक बार अपने एनसीईआरटी से देख लें, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। मैं एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ रहा हूँ, आपको रिलेट करिएगा, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी। द क्लास रेफर्स टू देयर क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। यही बात मैंने भी आपसे कही कि एक क्लास के जो मेंबर्स हैं एंड दैट शोज द ये क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है। लेकिन लिखा है रेपर या रेप्टम का मतलब ही होता है क्रॉल या क्रीप। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडीज कवर्ड विद ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जमीन को पूरी तरह से इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके पास कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है। एपिडर्मल स्केल से एस्क्यूट पाए जाते हैं, स्पष्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फिशेस पढ़ते हैं तो वहां पर डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, ये एपिडर्मल स्केल्स हैं। दे डू नॉट हैव एन एक्सटर्नली ओपनिंग एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। यही बात कही गई इस मामले में, जो हम कान की बात कर रहे हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू द एम्फीबिया। लिंब व्हेन प्रेजेंट आर द टू पेयर, जाहिर है टेट्रापोडा के मेंबर हैं, तो व्हेन प्रेजेंट क्या हमेशा होते हैं। अब स्नेक ने मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, अडॉप्टेशन कर लिया, ये उसकी अपनी जरूरत हो सकती है। हार्ट इज अगेन देखिए लिखा है थ्री चैम्बर, लिखा है यूजुअली थ्री चैम्बर, जबकि मैंने इसको स्पष्ट किया कि सर हार्ट थ्री चैम्बर से बेहतर है कि आप उसे बेहतर शब्द इस्तेमाल करें और कहें सर इनकम्प्लीट फोर चैम्बर, बशर्ते ऑप्शन में दिया हो। बट फोर चैम्बर द क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स आर पाइक्लोथर्म, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स इन द स्किन कास्ट, समय समय पर अपनी स्किन को वो शेड ऑफ करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी इट इज यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यस दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। लेकिन हमने आपको दो पॉइंट इसमें अलग से बताए, क्रेनियल नर्व के बारे में बात करना चाहता था मैं, तो वो बात की, और एमनियोट्स के बारे में। अब बात आती है हम एग्जाम्पल को जाने कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। आप अगर टेक्स्ट बुक देखें तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कीलोन, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं वही एग्जाम्पल बोलूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा बढ़ा देना भी गलत है, लेकिन मैं दूसरा भी साथ में लिख लूं, नहीं तो फिर समझाने में दिक्कत होगी। दूसरा एग्जाम्पल दिया है टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो। अब कीलोन को जब हम देखते हैं तो एक नाम देते हैं इसको हम टर्टल, टर्टल, और जब टेस्ट्यूडो को हम कहते हैं तो इसका नाम होता है टर्टवाइस। अब जनरल भाषा में हम हिंदी में जब बात करते हैं तो कहते हैं भाई कछुआ है, लेकिन दोनों में अंतर है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें किलोन की फोटो बनी है, ना कि टर्टवाइस की, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम किलोन समझ के टर्टवाइस पढ़ लें। सर किलोन के बारे में जान लें, क्योंकि जो किलोन है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सर पानी में पाया जाता है, और इसको हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि पानी में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं दैट इज सेमी टेरेस्ट्रियल, एकदम जमीन पे भी नहीं पाया जाता है कि हम टेरेस्ट्रियल आपसे खुल के कह पाते हैं। पानी में भी रह लेते हैं, यानी कीचड़ वगैरह में आसानी से रह लेते हैं, लेकिन सर इसका दूसरा शब्द देखेंगे ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, सी वाटर में ही पाए जाते हैं, और ये जिस पानी का जिक्र कर रहे हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो एक बहुत आसान सा डिफरेंस है इस बात को लेकर। अब जैसे आपने यहाँ पे कह दिया होगा कि जो टर्टल है वो सिर्फ एक्वेटिक है, तो अपने आप को फोटोग्राफ जरूर देखना होगा, क्योंकि इनका जो लिंब बना होगा, इस जगह अगर आप फोटो देखेंगे जो इसमें पांव बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़े फ्लैट से हो जाते हैं ऐसे, और फ्लैट से हो जाने की वजह से ये चप्पू का काम करते हैं, दे एक्ट एज ए पैडल्स, ये पैडल की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनको रहना तो पानी में ही है, तो इसलिए ये एडॉप्टेशन सिर्फ किलोन में है, हमारे इस जगह पर एडॉप्टेशन नहीं है। जब टर्टवाइज की आप बात करते हैं तो दे आर नॉट एडॉप्टेड टू लिव एज ए पैडल, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पैडल नहीं पाए जाते। अब आपको लग रहा है इतनी बातें मैं क्यों पढ़ूं, सर इतनी बातें जब पढ़ेंगे तो आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल याद रहेंगे कि टर्टल अलग है और टर्टवाइज अलग है, नहीं तो लगेगा कि यार एक ही एग्जाम्पल है, उसको दो बार हमने पढ़ लिया है। क्या तीसरा एग्जाम्पल है, दैट इज कैमेलियन।
कैमेलियन, इसका भी फोटोग्राफ आपने बना हुआ है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम यानी सरल भाषा में वर्नाकुलर नेम कहते हैं इनको, जैसे ट्री लिजर्ड कहते हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, जो ट्री लिजर्ड है ये गिरगिट नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वही गिरगिट है। गिरगिट के लिए अगला एग्जाम्पल दिया है कैलोट्स, जो गिरगिट है उसे हम गार्डन लिजर्ड कहते हैं। इसके फोटोग्राफ आप में नहीं बना हुआ है, दोनों लिजर्ड लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और डिफरेंस देखना हो तो गिरगिट तो आपको कभी न कभी दिख ही जाएगा, कैमेलियन कम दिखता है, पेड़ पर पाया जाता है। लेकिन जब भी आप, मैंने तो जब से देखा है, मैं क्लास 6 से इसकी फोटो देख रहा हूँ, हमारे साइंस के बुक में था, इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक शब्द है आर्बोरियल, इसलिए जब भी आप इसका फोटोग्राफ कहीं देखेंगे तो हमेशा पेड़ पर ही दिखेगा। दूसरा शब्द है, इसकी जो टंग होती है वो बाहर काफी निकली रहती है, दैट इज अ प्रोट्रूसिबल टंग, यानी काफी बाहर आपको निकली हुई लंबी सी टंग दिखाई देगी शिकार पकड़ने के लिए। तो ये भी आपको जितनी बार देखेंगे वही दिखेगा। और तीसरा एक शब्द और है जो जरूर दिखता है, एंड दैट इज अ प्रीहेंसाइल टेल, इनकी पूंछ कभी भी देखेंगे तो वो एकदम पीछे से मुड़ी होती है, प्रीहेंसाइल टेल दिस। इसलिए ये तीन फीचर आपको हमेशा दिखाई देंगे। हाँ, एक शब्द है, कहीं कहीं लोग कह देते हैं कि भाई जो कैमेलियन है वो कैमोफ्लॉज शो करता है, कह दीजिए, आप अपने स्तर पे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सर उसका सही शब्द है इट शोज मेटाक्रोसिस। अब जो लोग मेटाक्रोसिस शब्द से परिचित नहीं होते हैं उनके लिए कैमोफ्लॉज ठीक है, वो अपने कैमोफ्लॉज बोल करके काम चला रहे हैं, आपके स्तर पर शायद ये ठीक हो। लेकिन मेटाक्रोसिस और कैमोफ्लॉज में अंतर है। कैमोफ्लॉज उन्हें कहते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है अपने रंग को बदल लेने की, जो रंग को बदल लेंगे वो मेटाक्रोसिस कहलाएंगे, सॉरी कैमोफ्लॉज कहलाएंगे। लेकिन जो कलर नहीं बदलते हैं, कलर की इंटेंसिटी बदल लेते हैं, यानी कलर को गाढ़ा या हल्का कर पाते हैं, वो मेटाक्रोसिस कहलाते हैं। क्या दूसरा शब्द आता है, दैट इज गार्डन लिजर्ड, सर हम यही बता रहे थे, इसको हम गिरगिट कहते हैं। गिरगिट जब ये नाराज होता है, काफी ज्यादा इधर उधर ढूंढता है, शिकार ढूंढता है, तो कभी आप देखेंगे इसका हेड और नेक वाला पार्ट जो है वो एकदम सुर्ख लाल सा हो जाता है, तो ये गिरगिट है, ऐसा कैमेलियन में नहीं दिखता। सर अगला एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल। यस, क्रोकोडाइल जिसको चाहें तो हम मगर भी कह सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल है इसके बाद, दैट इज एलिगेटर, दो एग्जाम्पल दिए हैं तो दोनों एक साथ लिख रहे हैं। हालांकि लिखता तो मैं ग्रेवियलिस भी, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है, तो इसीलिए। सर क्रोकोडाइल और एलिगेटर आप पहचानोगे कैसे, कौन क्रोकोडाइल है कौन एलिगेटर है, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं जो ज्यादा नाराज होता है वो क्रोकोडाइल है और जो कम नाराज होता है वो एलिगेटर है, लेकिन इससे बात बनेगी थोड़ी ना, हम पूछने थोड़ी ना जाएंगे कि भाई नाराज हो रहे हो क्या। तो एक चौथा नाम भी जान लो अगर आप, वो हमारी तरफ से, दैट इज ग्रेवियलिस। सर वास्तव में घड़ियाल ये है, नाम सुना हो, इट इज द घड़ियाल। तो लोग जो लोग नहीं जानते हैं वो समझते हैं क्रोकोडाइल ही घड़ियाल है, जो मुंह से निकल जाए सब ठीक है, और सुनने वाला भी ज्यादा परिचित नहीं होता, समझता है बोल तो सही रहा है। मैं एक बहुत पिक्यूलियर डिफरेंस बता रहा हूँ, कभी भी घड़ियाल आप देखेंगे तो उसका जो स्नाउट होगा वो काफी लंबा होगा, कभी देखिएगा, अब देखिएगा, क्योंकि शायद पहले हमें पता नहीं होता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं इस बात को। यस, स्नाउट काफी लंबा होगा। जो एलिगेटर होता है इसका स्नाउट जो है वो बहुत छोटा होता है, लाइक दिस, ये इनका स्नाउट होता है, शॉर्ट लेकिन ब्रॉड होता है। लेकिन जो मगरमच्छ होता है उसका स्नाउट थोड़ा चौड़ा होता है, लाइक दिस। तो ये थोड़ा इस तरह से होने के बजाय बल्कि इस तरह से होता है, ऐसे। तो अब तीनों के स्नाउट को आप देखिएगा, बहुत लंबा होगा तो घड़ियाल होगा, काफी चौड़ा होगा छोटा सा होगा तो एलिगेटर होगा, थोड़ा लंबा होगा बहुत लंबा ना हो तो वो क्रोकोडाइल है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जरूरत सिर्फ आपको इतनी है कि आप एग्जाम्पल को रिटेन कर पाए। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस बहुत आसान सा नाम है, इसे हम छिपकली के नाम से जानते हैं। यस, लिजर्ड। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर कोई भी छिपकली ऐसी नहीं है जो पॉइजनस हो, यानी छिपकलियां जितनी भी हम लोगों ने देखी हैं दैट इज अ नॉन पॉइजनस।
फिर भी आप सुनते होंगे सर खाने में छिपकली मिल गई तो बड़ा बवाल हो गया, मर गए। एक्चुअली इसके अंदर पॉइजन नहीं होता, इसकी स्किन के ऊपर कुछ फंगस ग्रो करते हैं और वो फंगस पॉइजनस होते हैं। इसलिए कभी खाने में उबलते हुए दूध में छिपकली गिर जाती है और उसको पीने के बाद लोग मर जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो जब इतना आप सुन लिए हैं कि तो हमारी एक और बात सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं अगर आप उस शब्द को नहीं जानेंगे तो कहीं कहीं शर्मिंदा होना पड़े। टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सर ये जितनी भी लिजर्ड्स होती हैं दे आर ऑलवेज नॉन पॉइजनस। लेकिन सर बात तो एक्सेप्शन से ही बनती है। एक नाम है हीलोडर्मा, हीलोडर्मा सर, हीलोडर्मा जो है इज ए ओनली पॉइजनस लिजर्ड, इकलौती दुनिया की अभी तक डिस्कवर्ड पॉइजनस लिजर्ड है। मैंने इसीलिए कहा कि आप बड़ा इतना जोर से जब बोलोगे ना नॉन पॉइजनस नॉन पॉइजनस, तो कोई भी जानकार व्यक्ति आपकी तरफ देख के मुस्कुराने लगेगा, उसको लगेगा आप हीलोडर्मा से परिचित नहीं है। और इनका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। जब आप सांप के पॉइजन की बात करेंगे तो हीमोलिटिक और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन का जिक्र जरूर होगा, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि न्यूरोटॉक्सिक जहर होते कैसे हैं। क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं और आपकी डेथ एस्फेक्शिया की वजह से हो जाती है। तो अब नाइन्थ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा एक शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो आपको समझाने के लिए तो बड़ा आसान है कि मैं कह देता कि भाई सांप है, खत्म हो गई बात। लेकिन सांप थोड़ा सा बड़ा है और मैं चाहता भी हूं कि थोड़ा ज्यादा आप सीखें, इसलिए सांप के बारे में ज्यादा बातें मैं यहाँ नहीं करूंगा। मैं अगले वीडियो में आपको सांप के बारे में कुछ बातें जरूर बताऊंगा कि सर कैसा इनका पॉइजन होता है और कौन कौन से पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सांप है। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में इस जगह पे तीन सांपों का जिक्र हुआ है। एक को नाजा कहा गया है, दैट इज कोबरा। दूसरे का नाम है बंगारस, बंगारस करैत के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है वाइपर, वाइपरा या वाइपर कहने। किस्मत से तीनों के तीनों पॉइजनस है, जहरीले सांप हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस भी बताऊंगा। तो मैं अगली वीडियो में जब आऊंगा तो मैं आपको जरूर इसके सांप के बारे में बताऊंगा कि सांप को कैसे पहचाने हम सर, कैसे कितने प्रकार के सांप होते हैं। इसलिए नहीं कि आपको जानकारी चाहिए, सर इतना जानना ही चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारे जंगल हैं, झाड़ियां हैं, आप जानो तो पहले कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस होते कैसे हैं। खैर वो तो अगले वीडियो की बात हुई। तो ये हमारा रहा वीडियो, दैट इज फॉर द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के बारे में हमने आपसे कहा, मैं एक बार ब्रीफिंग कर दूं ऐसा हमेशा करता हूं ताकि आसानी से आप इसे रिटेन कर सकें। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, पूरी तरह से जमीन के लिए अडॉप्टेड है और इनकी स्किन ड्राई रफ है, कॉर्निफाइड है, इसलिए रेस्पिरेशन नहीं हो सकता स्किन से और इनमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती, इसलिए स्किन मॉइस्ट नहीं होती। स्किन इज कवर्ड बाय द स्केल्स, एपिडर्मल स्केल से एस्क्यूट कह सकते हैं। लेकिन कुछ जानवरों में स्नेक्स और लिजर्ड में वो एपिडर्मल स्केल्स समय समय पर शेड ऑफ होते हैं, निकलते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ स्किन कास्ट। ईयर के नाम पे इनमें टिम्पैनम के फॉर्म में ईयर पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। चार पैर होना वाजिब है, टेट्रापोडा के मेंबर हैं, लेकिन सांप में ये जो है डीजनरेट कर गए हैं। रेप्टाइल चार थे, इनके पूर्वजों में आप कभी देखेंगे तो कुछ ऐसे सांप भी मेंशन है जिसमें आपके पास लिंब की जगह पर छोटे छोटे स्पर पाए जाते हैं। एक पॉइंट को लेकर थोड़ा दिक्कत है, लिखा है हार्ट यूजुअली 3 chambered, मैंने कहा इनकम्प्लीट 4 chambered क्योंकि वेंट्रिकल इज पार्शियली डिवाइडेड। स्कल इनका मोनोकोंडाइलिक है, वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गिल्स नहीं पाए जाते क्योंकि पानी में नहीं होते। क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, स्नेक्स एक्सेप्शन है, 10 पेयर पाए जाते हैं। और एमनियोट्स जितने भी होते हैं उन सब में क्रेनियल नर्व 12 ही पेयर होते हैं। एमनियोट्स का मतलब जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कोरियन, एमनियन, एलेंटवाइन, यॉर्क सैक ये पाया जाता है। ओवी पेरस है, मैक्रोलेस्थल है, यॉर्क बहुत ज्यादा होता है, शेल्ड एग प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बात आपके थ्योरी में थी। चल उसके बाद हमने आपको तकरीबन 9 एग्जाम्पल बताए हैं और हमारे ख्याल से वही एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, शायद एक बढ़ा दिया है मुझे लगता है, दैट इज ग्रेवियलिस, अदरवाइज और तो कोई एग्जाम्पल नहीं बढ़ाया। तो सर इतना जरूर याद रखें, एक्चुअली मैं बार बार ये कहता हूँ कि इधर आते आते एनिमल किंगडम में लोग कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम जब पढ़ते हैं तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेरेंटेटा, आर्थ्रोपोडा, गैनोडर्मेटा तक रहता है। लेकिन जब हम कोयटा के आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत जगह पे कमजोर होते हैं। अब ये अच्छी बात है कि कई बार सवाल नहीं आता है तो आपकी कमजोरी किसी को दिखती नहीं है, बट ये तो आपको ही पता है कि इधर के कितने पॉइंट्स याद हैं आपको।
तो कोशिश करिए चीजों को रिटेन रखने के लिए। ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और जो आप वीडियो देखते हैं और देख सकें तो दो चार बार देखिए जब आपको लगे, और इन्हीं पॉइंट्स को आप रिटेन करें और याद भी हो जाएगा। चार फोटोग्राफ बने हुए थे, एक कैमेलियन का है, एक क्रोकोडाइल का बना है, किलोन का और नासा का। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में सांप लेकर यानी स्नेक्स लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।